ही विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई बुनाई फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह गा और खा के पदों पर आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22,000 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नए साल के पहले दिन 10वीं और 12वीं के छात्रों को धामी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। आज सीएम धामी निशुल्क टैबलेट योजना के शुभारंभ जीजीआईसी राजपुर रोड से किया। यहां आयोजित एक जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम धामी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज सीएम धामी ने कुछ छात्रों को टैबलेट बांटकर सांकेतिक रूप से इस योजना की शुरुआत कर दी। वहीं बाकी छात्र छात्राओं के खाते में इसकी रकम डाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि दोबारा से उनकी सरकार बने और जब अगली बार यहां पर कार्यक्रम हो तो वह मुख्यमंत्री द्वारा संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि बचपन से ही उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा ली है और हमेशा संतों का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा है और ऐसे ही आशीर्वाद संतों का मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाली सरकार उन्हीं की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में महामारी आती रहेगी लेकिन धार्मिक कार्य स्वतः ही चलते रहेंगे। जरूरी है कि हमें सावधानी समय समय पर बरतनी होगी। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। इस कोरोना की महामारी के समय में भी देश का कोई काम रुका नहीं है। देश के अंदर चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हो, देश के 80 करोड़ लोगों को दो टाइम का भोजन देने की बात हो, या कोरोना महामारी में इतना बड़ा वैक्सीनेशन का काम हो और सबसे पहले वैक्सीन लाने का काम हो सारे क्षेत्रों में और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट बढ़ा है, आज पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया के देश भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में आज कांग्रेस के तमाम नेता सांकेतिक रूप से उपवास पर बैठे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेसी नेता शामिल थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार लगातार यहां की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ सांकेतिक रूप से उपवास पर बैठे। भाजपा हराओ, उत्तराखंडियत बचाओ, या उत्तराखंडियत बचाओ भाजपा हराओ के थीम कंसेप्ट के साथ चुनाव में जाएगी और इसके साथ महंगाई हटाओ भाजपा हराओ, रोजगार बढ़ाओ भाजपा हराओ, दलित व गरीब बचाओ भाजपा हराओ, किसान नौजवान बचाओ भाजपा हराओ, छोटा व्यापारी और मजदूर बचाओ भाजपा हराओ, गांव और ग्रामीणियत बचाओ भाजपा हराओ, ये सब हमारे कैंपेन के चुनाव कैंपेन के हिस्सा होंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल का स्वागत धूमधाम के साथ किया गया। लोगों ने 12 बजते ही नए साल का स्वागत, नाच गाने और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी रात के 11 बजे से 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई गई। होटलों में रात्रि 12 बजे के बाद भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे, वहां लोग आराम से बाजारों में घूमते रहे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साल के पहले दिन केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नववर्ष में एक प्रचलन है, हमारे देश में हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन मोदी सरकार हमें महंगाई बेरोजगारी देने का काम कर रही है। नए साल का उपहार यही है। महंगाई की मार पूरे वर्ष महंगाई की दर 10% थी, आज कपड़ों पर लगने वाली GST 5% से बढ़कर 12% हो गई है। हमने क्या पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों को बढ़ने दिया? क्या हमने GST लगाई? ये तो पहली सरकार है, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसने कृषि पर टैक्स लगाया है। जी, कृषि के जो प्रेस्टिसाइड्स है, कृषि संयंत्र है, ट्रैक्टर है, उसको GST के दायरे में लाने का काम मौजूदा केंद्र सरकार ने किया है। आज तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर टैक्स नहीं लगाया। राजधानी देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम में बैठक आयोजन किया गया। साथ ही बैठक में महापौर सुनील उनियाल, गामा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शहर की सफाई को लेकर नगर निगम ने अनूप नौटियाल और FM रेडियो के काव्य को सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि उनका लक्ष्य का अगले साल देहरादून शहर भारत के 25 स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शामिल हो, उसके लिए उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।